बात है तो प्रशांत किशोर जी कभी हम नहीं समझते हैं कि कोई नेता है। वो स्ट्रेटेजिक है, वो अपना एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस है और वो इसमें जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस तरह का जो विवाद वाली बातें करते हैं, जो बयान देते हैं, वो जानबूझ के देते हैं ताकि उनके तरफ लोग अट्रैक्ट हो और उनके तरफ लोगों का अट्रैक्शन जाए और उनको लोग बारे में जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी नवादा पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रशांत किशोर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में हैं और वो जल्द ही बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, ऐसे में संतोष मांझी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि वो कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, बल्कि वो एक चुनावी रणनीतिकार है, इसीलिए पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो एनालिसिस करने में क्या ही जाता है। इतना ही नहीं, संतोष मांझी ने नवादा पहुंचकर बीजेपी पर भी हमला बोला और कह दिया कि बीजेपी तो बिहार में कहीं नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। तो एक तरफ जहां बीजेपी बौखलाकर तरह तरह के विवादित बयान देती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, कई तरह के सवाल खड़े करती है, तो वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चूंकि पॉलिटिकल एनालाइजर है तो वो चुनावी रणनीतिकार होने के बदौलत एनालिसिस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार वापस से बीजेपी की तरफ अपना रुख करें। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी, प्रशांत किशोर के बयान को लेकर किस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही गई और बीजेपी को किस तरीके से उनके ऊपर उन्होंने निशाना साधा है, छोड़ जाते पूरी बातों के साथ। को कैसे देते थे सीएम बिहार के नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, हालांकि सीएम ने ना कर दिया, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जहाँ हैं और सब पार्टी, बिहार की जितनी पार्टियां हैं, सब मिल करके भाजपा को अलग थलग कर दी है। अब बहुत महागठबंधन है और यहाँ के जन समर्थन है हम लोग के साथ, और हम लोग लोकसभा चुनाव, विधानसभा, सारे जितने भी चुनाव हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं और हम लोग जो जाति उन्माद को नहीं फैलाते हैं, एक कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं। और सब मिलके माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चल रहा है। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है तो प्रशांत किशोर जी कभी हम नहीं समझते हैं कि कोई नेता है। वो स्ट्रेटेजिक हैं, वो अपना एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस है और वो बना सकते हैं एक बढ़िया सा रिपोर्ट बना करके और दे सकते हैं किसी को, अब इस पर आप काम कीजिए। लेकिन खुद नेता बनने चले हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस तरह का जो विवाद वाली बातें करते हैं, जो बयान देते हैं, वो जानबूझ के देते हैं ताकि उनके तरफ लोग अट्रैक्ट हो और उनके तरफ लोगों का अट्रैक्शन जाए और उनको लोग बारे में जाने। और ऐसी कोई बात, भारतीय जनता पार्टी को कैसे देख रहे बिहार में आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है अभी बिहार में। बिहार में हमने बोला ना कि सात पार्टियों की सरकार चल रही है, तो उनका जमीनी शिक्षक चुका है, इसलिए परेशान है। क्या साथ एक तरफ आए अकेला भारतीय जनता पार्टी, क्या अभी भारतीय जनता पार्टी आप लोग भारी है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक तरफ पूरा 90% एक तरफ है, 10% क्या करें? क्या सीएम नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, ये एक सवाल? ऐसी तो कोई बात नहीं नज़र आती मुझे। और आपने जिस संदर्भ में बात आप कर रहे हैं, वो हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने जो बात बोला, तो बोला था कि बिहार हित में अगर नीतीश जी कोई फैसला लेते हैं हम उनके साथ हैं, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई संभावना नहीं है और हम लोग भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। अब बिहार का भला जहाँ है और अभी जो महागठबंधन बना है, बहुत सोच समझ के बना है, उन लोगों से परेशान होकर के वो आए हैं। और ऐसी कोई बात नहीं होती है कि कोई भी आदमी आएगा और इस तरह के करेगा, तो फिर दुखी बात। आप लोग भी परेशान हुए थे भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, परेशानी की बात नहीं है। जब हम लोग आए हैं तो एक ऐसा गठबंधन में आए हैं जो गठबंधन यहाँ के राजहित के लिए है, यहाँ के गरीबों के लिए। हमारी पार्टी की जो संरचना हुई थी गरीबों को उत्थान के लिए होता, हम गरीब की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई गरीब अमीर की लड़ाई है और जहाँ गरीबों की लड़ाई रहेगा उसके साथ हम। एक सवाल, नीतीश कुमार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ पीएम मोदी भी रोजगार का ऐलान किए, क्या कहिएगा? देखिए, रोजगार की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था और उन्होंने देना भी शुरू कर दिया। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि सिर्फ बात नहीं करता है, देने की बात करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बाद अब शुरू किए हैं, वो तो बहुत पहले घोषणा किए थे,
लेकिन उतना रोजगार है क्या? 2 करोड़ रोजगार देने की बात था हर साल, कहाँ है? लेकिन नीतीश कुमार जी ने शुरुआत कर दी, आप देखेंगे जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाएंगे। पीएम मोदी जो किए वो कैसे देखते हैं? पीएम मोदी बिहार के संदर्भ में क्या किए हैं? सिर्फ जुमलेबाजी के सिवा तो कुछ किए नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है। बिहार में जिस तरह से 17 सालों से उनका शासन रहा है, सुशासन के जो हमारा विकास के साथ जो शासन उन्होंने किया है, न्याय के साथ विकास किया है, ये आगे भी बढ़ता रहेगा। रथ चल चुका है, सो कोई रोक नहीं सकता। 2 विधानसभा तक चुनाव होने वाला, वो दोनों कैसे, गोपालगंज और मोकामा को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखना क्या है, हमारी जीत हो रही है, बहुमत से हम जीत रहे हैं, दोनों साथ है, आशीर्वाद देने से।